पूरा सच सच बता दूंगा कि कैसे आपको जेनरिक दवा पहचानना है, लेकिन थोड़ा आपको वीडियो देखना पड़ेगा पूरा, इसलिए पढ़ेंगे तो समझ ही नहीं पाएंगे कैसे है। देख सकते हैं कि यह एक जेनरिक दवा सपोज करिए, सपोज क्या करना दोस्तों, सच में यह जेनरिक दवा है, एमोक्सिक्लेव 625 एबॉट कंपनी की दवा है दोस्तों। देख सकते हैं स्टेप कहीं पे लिखा हुआ है दोस्तों कि यह जेनरिक दवा है, नहीं लिखा हुआ है कहीं पे, इसका मार्क है कहीं भी मार्क नहीं है दोस्तों कि यह जेनरिक दवा है। देखिए इस पे क्यूआर कोड भी यहां पे लगा हुआ है, ब्रांडेड दवा पे भी क्यूआर कोड लगा हुआ है। आप लोगों के दिमाग में होगा कि इसको कैसे पहचाने, आप कहते हैं, कई लोग कमेंट करते हैं कि अरे आपने बताया नहीं कि जेनरिक दवा कैसे पहचाने, अरे मैं बताता हूं भाई, थोड़ा आप भी दिमाग लगाइए ना। देखिए कहीं पे लिखा नहीं है कि जेनरिक दवा है, या कोई ऐसा आप जो है नहीं पहचान पाओगे कि जेनरिक है, कुछ ऐसे ट्रिक होते हैं जैसे कि आप पहचान सकते हो कि यह जेनरिक, सच में यह जेनरिक है, उसके लिए आपको गूगल पे जाना पड़ेगा। हाँ थोड़ा सा क्यूआर कोड की बात कर लेते हैं दोस्तों, गूगल पे जाने से पहले क्यूआर कोड से आप क्या जान पाओगे, इसका बैच नंबर क्या है, यह मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पर हुआ है, इसका जो है एक्सपायरी डेट क्या है दोस्तों, और आप ये जान सकते हो किस कंपनी की दवा है, और यह जो है इसकी हेड ऑफिस कहाँ पे, ये सब जानकारी आपको मिल पाएंगी, बाकी और कुछ इस पर जानकारी नहीं मिलेगा। इस क्यूआर कोड क्यों लगाना जरूरी हो गया ये भी बता देते हैं आज इस वीडियो में। देखिए क्यूआर कोड इसलिए लगाना पड़ा दोस्तों किसी भी दवा पे, कुछ लोग दवा कंपनी में काम करने वाले या दवा लाइन में काम करने वाले इतने माहिर थे दोस्तों कि वह जो है जैसे किसी जेनरिक दवा को लाए, वह जो है एक रैपर अपना ब्रांडेड कंपनी की, सपोज के कोई भी ब्रांडेड कंपनी रैनबॉक्सी सिप्ला किसी का भी रैपर छपवा लेते थे, उसमें जो है जेनरिक कोई मार्केट से जेनरिक दवा सस्ती दवा लाते हैं उसमें डाल दिए और दिखा दे कि नहीं ये तो ब्रांडेड कंपनी की बड़ी कंपनी की दवा है, वह मार्केट में बहुत तेजी से रन करती थी। क्यों? क्योंकि उस पर जो है मेडिकल स्टोर वाले को भी फायदा मिलता था, थोड़ा सा डिस्काउंट बढ़ा देते थे 2-4% का, और इसलिए जो है दवा कंपनियों का सेल जब प्रभावित होने लगा तो फिर सरकार ने भी इस पर एक्शन लिया, जो है दवा कंपनियां जो है सरकार के पास गई अपना जो है एक एजेंडा लेके कि इस पर जो है ऐसे ऐसे करना होगा, तो फिर सरकार ने भी एक्शन लेते हुए इस काम को किया ताकि जो है लोगों को ऐसे सही भी चीज़ है, ऐसे लोगों को जो है जो लोग ठगे जा रहे थे ऐसे उनका भी उनको भी लाभ मिला, देश के जो पेशेंट थे जो भी जनता है जो भी पैसा खरीदा, आप पैसा भी दे रहे हैं अगर सही चीज़ ना पाए तो इसी सही नहीं है। अब इसको हम लोग देखिए क्या करते हैं, गूगल पे सर्च करना है, गूगल पे क्या सर्च करना है, आप गूगल पे जाइए, ट्रूमेट पे जाइए, ट्रूमेट एक ऐप है दोस्तों, साया केयर बे दवा इंडिया, बहुत सारे ऐप हैं, मैं ट्रूमेट की बात करता हूँ, बहुत सारे एडवर्टाइज आते हैं उस पर देखेंगे आप, उस पर देता है कि मैं 51% डिस्काउंट देता हूँ, उसके जो भी सब्सिट्यूट होते हैं जेनरिक, यानी जेनरिक दवाइयाँ जो होती हैं ब्रांडेड, तो वो भी नहीं देता है डिस्काउंट, आपको 10-12-15% ही मिल पाएगा। तो आप जब जेनरिक दवा वहाँ पर सर्च करें, जो भी कोई भी जेनरिक दवा एमोक्सिक्लेव 625 को ट्रूमेट पे सर्च करें, देखिए आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा दोस्तों, लेकिन आपको इसी कंपनी के ब्रांडेड दवा को सर्च करेंगे नहीं मिलेगा, कोई भी ब्रांडेड दवा को वहाँ पे जैसे आप सर्च करोगे वहाँ पे आ जाएगा कि कोई भी अगर 50% डिस्काउंट देता है ट्रूमेट पे, तो समझिए वहाँ पे वह जेनरिक दवा है दोस्तों। यह ट्रिक होता है कुछ, इसी ट्रिक से आप पहचान सकते हो, बाकी कहीं नहीं लिखा होगा कि यह जेनरिक दवा या ब्रांडेड है। हाँ इस साल कंपोजिशन में किसी भी आपको सबसे सस्ती एमआरपी दवा से ना, तो 1 mg पे जाइए, वहाँ पे आप सर्च करेंगे उस साल कंपोजिशन के जितने भी सब्सिट्यूट होंगे सब आ जाएंगे दोस्तों। तो एक सब कुछ ऐसे ट्रिक है जिसको आप गूगल के माध्यम से बहुत सब जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो, जानकारी छोड़ लाइक करें शेयर करें।